हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक अपकमिंग मैरिटाइम कॉलेज की बात करने वाला हूँ। जब मैं जीपी रेटिंग की बात करता हूँ, ऑलवेज टॉक अबाउट टीएस रहमान, नूसी गोवा, आई टॉक अबाउट ग्रेट ईस्टर्न, आई टॉक अबाउट सेवन आइलैंड। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात करें तो MERI कोलकाता, MERI मुंबई, तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट। उसके अलावा आई टॉक अबाउट MIT यूनिवर्सिटी बट विद मर्स स्पॉन्सरशिप, IIM नोएडा बट विद MSc स्पॉन्सरशिप, राइट गाइस। BSc नॉटिकल साइंस की बात करूँ तो मैं तुलानी की बात करता हूँ, MIT बट विद मर्स स्पॉन्सरशिप की बात करता हूँ, TS चाणक्य की बात करता हूँ। अगर आपको हर कॉलेज की जानकारी चाहिए तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड की वेबसाइट पे, कॉलेज पोर्टल पे अगर आप जाएंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि दैट दीज आर द कॉलेजेस विच आर रिकमेंडेड बाय मी। अब मैं 2 साल से लगातार गणपत यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, जो कि गुजरात की एक बहुत मानी यूनिवर्सिटी है, गणपत भाई ने बनाई थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उसी का एक छोटा सा पार्ट है UV पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें उनकी मरीन इंजीनियरिंग सेक्शन चलती है। सो मैं पिछले साल भी गया था क्योंकि वहाँ पर जो प्लेसमेंट हेड है जितेंद्र रावत सर, वो मेरे ही कॉलेज के सीनियर हैं, तो उन्होंने लास्ट ईयर बुलाया था, तो तब से मैं उस कॉलेज पर अपनी आंख गड़ा के बैठा था और अपडेट लेना चाह रहा था क्या चल रहा है। सो आज की डेट में अगर मैं बात करूं गणपत यूनिवर्सिटी की, जिसको अगर आप डीशिपिंग सर्च करेंगे यूवी पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पर जीपी रेटिंग भी चलता है, बीएससी नॉटिकल साइंस भी चलता है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग भी चलता है, GME भी चलता है, ETO भी चलता है, राइट गाइस। तो सारे कोर्सेज वहां पर चलते हैं। सो मैं जब वहां पर गया तो अच्छा स्वागत हुआ सारे वहां पर बच्चों से, ज्यादातर यहां बैठे किस ईयर से आप लोग, उनके साथ सेमिनार करने का मौका मिला। बीटेक मरीन इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे तो वीडियो है जिसके अंदर मैं पहले प्लेसमेंट हेड जितेंद्र रावत सर से बात करूं, जहां पर उन्होंने बिंदास बताया कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहा है। उसके अलावा मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल तेजर सर से बात करी है कि भैया मैरिटाइम कॉलेज क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं और बच्चों से क्या दिखते हैं आपको। तीसरा वीडियो मैंने बनाया मोहम्मद दानिश का, जो कि मर्चेंट नेवी डिकोडेड का स्टूडेंट था, जो कि गणपत में पढ़ना गया इन GME कोर्स आफ्टर फ्लीट मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप। तो काफी लंबा वीडियो दिख रहा है बट इसमें अलग अलग पार्ट्स में। सो हैविंग सेड दैट गाइस, जब ये प्लेसमेंट का वीडियो बन रहा था, मैंने जितेंद्र रावत सर से रिक्वेस्ट करी कि सर जो चीज खराब है बिंदास बताइए, ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। उन्होंने बताया बीटेक में 100% प्लेसमेंट है, बीएससी नॉटिकल साइंस में 100% प्लेसमेंट है, GME में प्लेसमेंट है। मैंने बोला सर जय माता दी, 100% प्लेसमेंट है, बट किस तरह की कंपनीज में। तो तब चीज निकल गया, उन्होंने बताया कि देखो काफी सारे बच्चे मेन फील्ड में आते हैं बट कुछ बच्चे ऑफशोर फ्लीट में भी जाते हैं। सो ये एक कैच है जो कि आप लोगों को समझना है। सो बट हैविंग सेड दैट, उनके अंदर एक ऑनेस्टी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, उन्होंने बताना बिंदास जरूरी समझा कि भाई ये चीजें हैं। सो अगेन वंस अगेन दो अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के पास जो कि मैं आज की डेट में बिल्कुल रिकमेंड करूंगा बिना सोचे। पहली बात यह है कि गणपत क्योंकि एक फिलेंथ्रोपिक कॉलेज है, यहां पर फीस कम है। फीस कम है मतलब ये नहीं कि फर्जी कॉलेज है मैं बोल रहा हूं, फीस कम है इसका मतलब ये नहीं खराब कॉलेज है ये मैं बोल रहा हूं। मैं इस कॉलेज को पूरा विजिट करके आया हूँ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। प्लेसमेंट में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, जैसे कि GME के अंदर फ्लीट मैनेजमेंट ने सिलेक्शन लिया। मैं बहुत सारे बच्चों को बोला कि वहाँ चले जाओ, फीस 2,80,000 में हो रहा है और ट्रेनिंग भी अच्छी है, पर बच्चों को लगा यार नाम तो कभी सुना नहीं है, जय माता दी परनी सर बोल रहे हैं। मुझे लगा मैंने इतना भरोसा कमाया कि बच्चे करेंगे, बट शायद मेरी जुबान पर भी अभी इतनी वैल्यू नहीं है, मुझे टाइम लगेगा भरोसा बनाने में। बट जिन 3 बच्चों ने करा उनमें से मोहम्मद दानिश के साथ, वो वीडियो एंड में डला हुआ है और आप चाहें तो उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं बिंदास। उसके बाद अभी रिसेंटली गणपत अपना DNA स्पॉन्सरशिप भी शुरू करा और कुछ कंपनीज लाइक स्कॉर्पियो, टॉम, कॉन्फिडेंस शिपिंग और 1-2 कंपनीज और जिनसे उनकी बात चल रही है, वो अपना भी एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो DNA के लिए कंपनीज के पास शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कंपनीज फिर एग्जाम लेंगी बट वो DNA भी स्टार्ट करें, विच इज अ वेरी वेरी सेफ साइड टू हैव। नाउ उनकी फीस कम है, गर्ल कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सो कहने का मतलब है व्हेन यू हैव अ जॉब इन हैंड देन सिक्योरिटी इज देयर, यार क्या सोचना है। तो उस टाइम पे ये सोचे कि यार अगर इफ यू आर गेटिंग दैट सेम थिंग एट अ लेसर प्राइस, इट मेक सेंस यार, मैं बिंदास बोलता हूँ बिल्कुल ये बात। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, वहां पर मैं 360 degrees का उनका पूरा एक मतलब बात करूं तो मैं खुद हैरान था, और किसी कॉलेज में नहीं है शिप इन कैंपस के अलावा कि जहां पर उन्होंने स्टिमुलेटर लगाया हुआ है। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैंने एक रील डाली इंस्टाग्राम पे। सो प्लेसमेंट के लिए जानिए कि इस कॉलेज ने क्या क्या किया और आगे क्या क्या कर रहा है। हैविंग सेड दैट DNA और अगर आपके पास GME में स्पॉन्सरशिप है, मेरी तरफ से ये गो अहेड है आप लोगों के लिए फॉर BTech, BSc नॉटिकल साइंस। जैसे जैसे ये लोग मुझे अपडेट करते जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। बाकी ये वीडियो देखिए जिसके अंदर प्लेसमेंट हेड जितेंद्र रावत सर खुद से बता रहे हैं कि उनका प्लेसमेंट कैसा रहा है। किसी को भी कोई डाउट रहता है बिल्कुल बिंदास मर्चेंट नेवी डिकोडेड से पूछिए, हम डिटेल्स और निकलने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक एग्जैक्ट चीज पहुंचे। आप लोग अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं DNA का तो प्लीज नीचे लिखे हुए लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और वो फॉर्म भर दीजिए। आप लोग अगर GME के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, DNA के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में फॉर्म है, वहां पर भर दीजिए, अपने आप आपका फॉर्म भरा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और वीडियो एंड तक जरूर देखिए।
नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है एंड आई एम द प्लेसमेंट हेड इन गणपति यूनिवर्सिटी यूवी पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड प्रनीत, ये व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर आपके पास 40 सीट्स थी। ओके, कितनी सीट्स में बच्चे थे आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 26 बच्चे हमारे पास थे। उन 26 में से फॉरेन गोइंग शिप्स में कौन कौन सी फॉरेन गोइंग शिपिंग कंपनीज आई थी आपके कॉलेज में, पहले तो नाम जानना चाहूंगा। सी स्पैन, ओके, एमएससी, डन, एमएमएसआई, डन, डीएमईको, डन, एमटीएम, शियरलैंड, स्कॉर्पियो, इतनों में हो गया था। इतने में खत्म। और कितने बच्चे इन अच्छी अच्छी कंपनीज में गए थे? इसमें से अराउंड 23 बच्चे जो थे, 23 बच्चे ये सब कंपनीज में सेलेक्ट हो गए थे। बाकी 3 बच्चे जो बचे हुए थे वो बच्चे हमारे मिनी बल्क कैरियर, एसआर के मिनी बल्क कैरियर हैं जिनसे हमारा टाई अप है, जो ऑफशोर में है। ऑफशोर नहीं है, दे आर बल्क कैरियर, दे ऑल्सो हैव द फॉरेन गोइंग वेसल्स, बट दे आर मिनी बल्क कैरियर, दे आर नॉट लाइक 400 मीटर वेसल्स। उनके 150 मीटर के शिप्स हैं जो तुम्हारा यहां से कोलंबो, श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर तक का सेलिंग करते हैं। तो 3 बच्चों का सर नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था आपके हिसाब से? उसके पीछे मेन रीजन था कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट विथ विच द शिपिंग कंपनीज आर लुकिंग आफ्टर एंड द कॉमन सेंस लिटिल बिट। वो जो 3 बच्चे थे, वी गेव देम चांस अराउंड इन 7 to 8 शिपिंग कंपनीज, बट समहाउ उनका दे गॉट नॉट सेलेक्टेड। बट लेटर ऑन लाइक इन बीटेक 07 आवर 2 कैडेट्स वेंट टू एशआर शिपिंग। आफ्टर 1 सेलिंग वी हैव प्रोवाइडेड देम अनदर अपॉर्चुनिटी इन एमएमएसआई एंड डीएमईको, एंड नाउ वन ऑफ देम इज सेलिंग इन एमएमएसआई टैंकर्स एंड वन इन सेलिंग इन डीएमईको टैंकर्स। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, जब आप असिस्टेंस देते हैं तो जैसे हम ये प्लेसमेंट असिस्टेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस का नाम सुनते हैं, तो कॉलेज आपका ऐसा कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ से कोई भी कंपनी भी हमें कभी कोई अप्रोच करती है जो कि आरपीएसएल होती है, वो हमको अप्रोच करती है, हमको ऐसा ऐसा कुछ बोलती है, हम इमीडिएटली उनको पोलाइटली मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ना 1 रुपए आपको जो फीस में बताई गई है उससे ज्यादा लिया जाएगा, ना फिर 1 रुपए उससे कम लिया जाएगा। ओके सर, अब बीटेक में चलो क्लियर हो गया, गुड थिंग भी सीट्स कम है, तो प्लेसमेंट लगाने के लिए आप जितनी जान लगा सकते हैं आप लगाएंगे और चांसेस बढ़ जाए। जैसे कि एमआर मुंबई की बात करें, 40 सीट्स है, वहां पर भी 100% प्लेसमेंट रहता है। फाइन, अब बीएससी नॉटिकल साइंस की बात करते हैं सर। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको डीडी शिपिंग से 40 स्टूडेंट्स का अप्रूवल मिला है, बट आपके पास लास्ट बैच में कितने बच्चे थे? 34। और उसमें से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ? अभी करंट बैच में 34 हैं। लास्ट बैच का, लास्ट बैच में हमारा फर्स्ट बैच था, कोविड में चालू हुआ था, वो हमारा फर्स्ट बैच में 7 बच्चे थे। ओनली 7 में से 7ों के 7ों प्लेस हो गए। किस किस कंपनी में सर? सी स्पैन, शियरलैंड में एक लड़का गया, एक लड़का डीएमईको में गया, कुछ बाकी बच्चे हुए डीएमईको में, बस 7 उतने में ही हो गए। ठीक है, और इस बार आपके पास 34 बच्चे हैं? इस बार मेरे पास 34 बच्चे हैं जिसमें की 70% का प्लेसमेंट हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 15 लड़के विलियमसन में सेलेक्ट हुए हैं, 15 बॉयज गॉट सेलेक्टेड इन विलियमसन, 5 बॉयज गॉट सेलेक्टेड इन एंड्रोमेडा, और कुछ बच्चे इसमें अपना सिनर्जी का जो ऑनलाइन से नेशनल लेवल टेस्ट है उसमें सेलेक्ट हो गए थे 1 साल पहले, सेकंड ईयर में ही दे गॉट सेलेक्टेड। अब सो डन हो गया सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग में कितने, आपके पास 40 स्टूडेंट्स की सीट है और आपके पास कितने बच्चे हैं बैच में, लास्ट बैच में कितने बच्चे थे? जीपी रेटिंग का व्हाट आई हर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री दैट गणपत यूनिवर्सिटीज ट्रेनिंग इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हाँ, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ट्राइड अ लॉट। मैं जिस भी कंपनी से वो बात करता हूँ, दे नीड अ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट कि हम सर फ्रेशर्स को नहीं लेते। इवन यू थिंक ऑफ द टॉप मोस्ट शिपिंग कंपनी जिनके पास हजार हजार वेसल्स हैं, उनसे भी मैंने पूछा, दे सेड कि हम बिना वॉच कीपिंग के नहीं लेते, वी डोंट टेक फ्रेशर्स। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी एडवाइज अवर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का तो हो जाता है, कुछ बच्चों का सिनर्जी के ऑल इंडिया लेवल में हो जाता है, कुछ बच्चों का, जैसे हमारे कुछ बच्चे बीडब्ल्यू में सेल कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे कॉन्फिडेंस शिपिंग में सेल कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि बाकी जो मेजर चंक है उनका नहीं हो पाता है, उनका ये कोस्टल वेसल्स में, मिनी बल्क कैरियर्स में, और हम लोग ये ऑफशोर वेसल्स में डालते हैं और उनको एडवाइस करते हैं। ये दीज आर ऑल्सो डीजी अप्रूव्ड शिप्स, ITF ships हैं, DG approved हैं, इन पे भी आप training complete करके आप अपना watch keeping निकाल सकते हैं। एक बार आपके पास watch keeping आ गया, then all the shipping companies are happy, will happy to take you। ETO में सर 40 सीटें आपके पास, कितने कितने बच्चे थे last batch में आपके पास? 20, around 20। और 20 में से कितने बच्चों का placement हुआ? Placement हमारे यहाँ almost 80% का हो जाता है। 80% exact number अगर आप दीपा, अगर आपको याद है तो album, क्योंकि जब percentage का मामला आता है तो करीब
15-16 का हो गया था। किस किस कंपनी में नाम एमएससी में हो गया था, कुछ लोगों का असिनर्जी में हुआ, डोल रिफरशिप में हुआ, तो ये कुछ कुछ कंपनीज में हो गया था। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये बीटेक जो इलेक्ट्रिकल करके बच्चे आते हैं उनका प्लेसमेंट होना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज उनका रिटर्न का चांस, इंटरव्यू का चांस मिलता है। बट जो डिप्लोमा वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करते हैं, वहां हमको चैलेंज आता है। उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग ऑफशोर वेसल्स में, विच इज अ ह्यूज डिमांड, विच इज हैविंग द ह्यूज डिमांड इन फॉर ईटीओ कैंडिडेट्स, वहां हम लोग डाल देते हैं। जैसे हमारा ये सैमसंग मैरिटाइम हो गया और आपका हलूल ऑफशोर हो गया, ये कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं, उसमें हम लोग अपने उन बच्चों को डाल। जिन लोगों को नहीं पता, ऑफशोर से मेन फ्लीट में आने में थोड़े चैलेंजेस रहते हैं और सैलरी भी कम रहती है। एनीवेज ईटीओस के अंदर सर अभी इस साल क्या टारगेट लग रहा है आपको? और अच्छा, तो एक चीज तो समझ में आई, ईटीओ में अगर आपने बीटेक करा हुआ है आपके चांसेस पूरे हैं, और अगर बीटेक नहीं करा है, डिप्लोमा करा है, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। दैट वी एक्सप्लेन व्हाइल टेकिंग एडमिशन ओनली। और अगर आपने बोला उन 20 में से 16 बच्चों की जॉब लगी, बाकी 4 की क्यों नहीं लगी? थोड़ा डिप्लोमा थे, और वो अगर वो पुश करते हैं अपने आप को, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होते। जो भी कंपनीज में हमसे लिस्ट लेती हैं, ऑल द कंपनीज दे टेक लिस्ट फ्रॉम अस, सो उसमें दे हैव सर्टेन क्राइटेरियाज, तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया इज बीटेक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये, आपने किसी डिप्लोमा वाले का आपकी कॉलेज से किसी अच्छी कंपनी मेन फील्ड में प्लेसमेंट हुआ? सिनर्जी में सेल कर रहा है, मेरा सेल कर रहा है उनका, ये कि कुछ कुछ है, क्योंकि डिप्लोमा वाले अच्छी कंपनी में दे गो आफ्टर वन और टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑफशोर वेसल्स। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट जीएमई। जीएमई में आपके पास 40 सीट्स हैं, लास्ट ईयर कितने बच्चे थे आपके पास बैच में जीएमई में? जीएमई में लास्ट ईयर भी मेरे पास 20 थे, अराउंड 20-22 हर बैच में। और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया जीएमई में? जीएमई में यूजुअली स्पॉन्सर्ड आते, सारे स्पॉन्सर्स ही आएंगे जनरली। हां, जीएमई में ज्यादातर स्पॉन्सर्ड थे आपके पास बच्चे? तो स्पॉन्सर है फ्लीट मैनेजमेंट, जिसमें से कि कुछ बच्चे अच्छी कोचिंग सेंटर से थे, और उसके बाद करीब 4 हैं, 4 फ्रॉम फ्लीट मैनेजमेंट एंड फ्यू आर फ्रॉम आरपीएसएल कंपनीज एंड ये कुछ, वो हाँ बोलिए ये, और कुछ जो हैं वो उनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे हमारे जीएमई लास्ट बैच जो एमटीएम में सेलेक्ट हुआ था, और इस साल हमारा एक जीएमई जो है वो एमएमएसआई में सेलेक्ट हुआ है, और एक जीएमई का हमारा स्कॉर्पियो में हुआ है, एंड हिज ज्वाइनिंग इज today he is joining Monday. So, अगर मैं इसे गलत नहीं समझ रहा हूँ, if I am presuming right sir, जो बच्चे खुद से कहीं से RPSL का नंबर लेके आते हैं, आप उन्हें भी स्पॉन्सरशिप देते हैं, वो आपके पास फीस पे करते हैं और वापस उसी कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं। सेकंड इज कंपनीज लाइक फ्लीट, जिनका अपना टेस्ट होता है, क्राइटेरिया होता है, वो फिल करते हैं। आप फ्लीट की लिस्ट में भी है, बच्चा चाहे तो आपके पास आ सकता है या फिर किसी दूसरे मैरिटाइम कॉलेज में जा सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन राइट सर। तो कुछ बच्चे आपके पास आते हैं। थर्ड इज जब बच्चे आपके पास आ गए, आप उनके लिए से बीटेक के लिए कोशिश करते हैं, आप उन बच्चों को प्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक बच्चे का एमएसआई में, किसी एक बच्चे का एमटीएम में, किसी एक बच्चे का स्कॉर्पियो में। सर जरा फीस की बात कर लेते हैं। हाँ, तो जरा सर मुझे बताइए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में कितनी फीस है आपकी? सर अभी हमने रिसेंटली बढ़ाई है, तो 3.80 पर ईयर, पर ईयर 3.80 लाख पर ईयर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग बीएससी में 3.80 पर ईयर, जीपी रेटिंग में 1.95 पर पूरे एक से छह मंथ, पूरे सिक्स मंथ, पूरे सिक्स मंथ का। ईटीओ, ईटीओ 1.9 फॉर फोर मंथ कोर्स एंड जीएमई, जीएमई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए 2.8 विच इज द लीस्ट अमंग ऑल द कॉलेजेस राइट सर। अब बात करते हैं सर डीएनएस की, दिस इज द बेसिक रीजन दैट आई केम ओवर, कि अब आप डीएनएस भी स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ आई वोंट बी आस्किंग यू नेम्स ऑफ द कंपनीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज लेट इट बी The thing, and this is where I want to say कि आप जो लोग मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, ये वीडियो देखकर उनको लगता है कि इस चीज में करना चाहिए, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एंड पिन कमेंट देर इज अ गूगल फॉर्म, आप उस गूगल फॉर्म पे भरिए और कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं डालिए। मैं खुद हमारी टीम मर्चेंट रिकॉर्ड की थ्रू में ट्रस्टवर्दी तरीके से आपका वेबिनार प्लेसमेंट हेल्ड जितने रावत सर के साथ कराएगी, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ देखिए, आपने क्वेश्चन काफ़ी बेसिक पूछा है एक्चुअली, और ये एक इसका आंसर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो तीन चैलेंज है एजुकेशन में इस समय। एक चैलेंज ये कहता है जनरल जो मास एंट्री करता है, एक समय ऐसा था जबकि जो आप लोग का समय था या और पहले का समय था काफ़ी, जैसे आज मेरे ख्याल से IIM CET लगभग 25,000 लोग देते हैं,
और जबकि आपका दूसरा जो आपने जो आईआईटी जेई वगैरह है बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, तो जो मास कम से कम लोग आ रहे हैं तो उससे फिल्टर होके भी कम आते हैं, तो इनटेक क्वालिटी हमको इम्प्रूव चाहिए, तो इनटेक जो आ रहे हैं वो भी थोड़े और अच्छे बच्चे चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू दूसरा ये है कि यहाँ पर जो जो टीचिंग का जो फील्ड होता है, अगर देखा जाए तो केवल मर्चेंट नेवी में नहीं, बाकी जगह में भी वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ इसको बहुत ही हाईएस्ट और बहुत अच्छा वो माना जाता है, अपने यहाँ भी गुरु के और शिक्षा को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन सारा खेल इसका है। तो इसमें इसको टीचिंग के प्रोफेशन को कुछ लोग एज ए पैशन लेते हैं और कुछ लोग एज ए वन लास्ट ऑप्शन भी लेते हैं। अग्रीड सर, मैं तो मानता हूँ सर जी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि टीचर भी अच्छे आए जो रियली पैशनेट हो और जो रियली इसमें दे आर नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग हियर दे आर हियर, दे शुड बी रियली टीचर। दिस इज आल्सो वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट हो गया, थर्ड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट, आजकल की जो जनरेशन है, ऐसे हमेशा पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को कुछ बुराई बताती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग में बहुत अच्छे गुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा इनके साथ चैलेंज है कि जो मोबाइल से मोबाइल नाम का जो मिनास है और उसके कारण, मतलब मैं ये बताऊं कि जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और वर्ल्ड क्लास का ओलंपिक क्लास का स्विमिंग पूल है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को 6 महीने स्विमिंग कंपलसरी होता है तो करते हैं और इसके बाद ऑप्शनल होता है और उन्हें करना चाहिए, लेकिन उसके बाद कम दिखते हैं स्विमिंग में, लेकिन वो मोबाइल में ज़्यादा दिखते हैं। तो एक क्या है कि एक उनके अंदर भी एक लर्निंग की एक भूख होनी चाहिए और वो उनको वहाँ से कि जो सोशल मीडिया का जो एडवांटेज है वो तो लेना चाहिए, लेकिन हाउ टू टैकल सोशल मीडिया, ये एक ज़रूरी है। और अभी आपसे बात करते करते एक पॉइंट मुझे और पता चला कि जो इंडियन शिपिंग है, स्पेशली अपने इसके लिए इंडियन शिपिंग में, जैसे कि हम एक यूके नोट्स पढ़ते थे और आज भी मैंने देखा है कि लोग यूके नोट्स की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन समहाउ एक कुछ ऐसा कंप्रेहेंसिव मटेरियल होना चाहिए जो ऑडियो वीडियो और सब में, जो हम अपने बच्चों को दे सकें कहीं से कंपाइल किया हुआ, जिससे कि क्या है कि एक उनकी जो ट्रेनिंग है वो, जो कि व्हाट दे डू नॉट टीच इन एमबीए स्कूल, इस तरह का व्हाट दे डू नॉट टीच इन एमटीआई, एक प्रैक्टिकली जो कि जैसे हमने कुछ कोर्सेस बनाए हैं, लेकिन वो उतने दे आर डेवलपिंग, लाइक हमने बनाया है वॉच कीपिंग के लिए, हमने बनाया है रडार टू रडार, टनल टू फनल और जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जोड़ तोड़, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये भी एक इवॉल्विंग फेज में है, इनको एक अच्छा कुछ सपोर्ट मिले कहीं से, जिससे कि बच्चों को जो दे बिकम एसेट टू द कंपनी व्हेन दे गो ऑन बोर्ड शिप, सो दैट इज देयर। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी फेस एंड वी आर ट्राइंग टू मेक द ब्रिज दिस गैप विथ ऑल आवर एंडेवर्स, इन विच वन ऑफ एंडेवर इज टू meet with you and take the feedback and this is also one part of that. Sir, मुझे अच्छा लगा आज, मैं workshop का package बना रहा था, बहुत सारे बच्चे अपने आप ही गए confidently grinding कर रहे थे, तो मुझे लगा बच्चों को tools, जब बोला training superintendent सर ने वहाँ पर जो surveyor सर थे कि भैया ये tools लाओ, तो फटाफट tools एकदम से बच्चे लेकर आ गए, so they were aware of those things, जो कि मुझे अच्छी लगी। strength कम है तो आज quality अच्छी आप maintain कर रहे हैं, लेटेस्ट जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप कैसे करते हैं सर? हैविंग सेड दैट, 5 पॉइंट्स के मैं अपना इनपुट देना चाहता हूं। नहीं, जस्ट मैं आपकी बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ, देखिए हमारी स्ट्रेंथ 40 से 400 हो गई है, हम 40 के बच्चों से शुरू किया था जब फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच 40 बच्चे, हां जी फर्स्ट बैच फर्स्ट ईयर 40 है ना, मतलब अभी पूरे 4 साल हो गए, 160 हो गए सर, 160 हो गए, 160 हो गए, दूसरे कोर्स और मिलाओ तो आज मेरे पास 400 बच्चे हैं, और क्वालिटी हमारी जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे इंप्रूव हो रही है। सो तो क्वालिटी और क्वांटिटी का हमारे साथ क्या हो रहा है कि एक एक्सेप्शनल ग्राफ चल रहा है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ रही है क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है। सर मैं आई विल कीप माय फिंगर्स क्रॉस, हर साल मैं आता रहूंगा यहाँ पे और बच्चों से मिलता रहूंगा, आप लोग ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहिए एंड आई विल बी ऑलवेज कीपिंग शेयर, जस्ट ट्रस्ट बना के रखूंगा बच्चों से, बच्चों तक चीजें पहुंचे। हैविंग सेड दैट, फर्स्ट थिंग जहां पर सर ने बोला कि यार 30,000 बच्चे दे रहे हैं, तो सर उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि गणपत भी छोटे छोटे टीयर 3 टीयर सिटीज में, गुजरात के 100 नहीं कम से कम इस बार 400 कॉलेजेस में स्कूल्स में सेमिनार्स करो और लोगों को मर्चेंट वगैरह अवेयर करे। सेकंड थिंग सर, जो आपने बोला कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बने, वहां पर सर मैं कोशिश करूंगा मर्चेंट नेवी डिकोडेड के अंदर कि हम ऐसा कुछ मॉड्यूल बनाए जो कि एक सप्लीमेंट कैप्सूल की तरह काम करे मैरिटाइम कॉलेजेस के लिए, ताकि अच्छे वेल ट्रेन बच्चे जाएं। सर जहां तक बच्चों की भूख की बात है, जहां तक वो
कि वो ये फोन की बात है, ये सर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आज के डेट में बना हुआ है। फोन से पूरी दुनिया परेशान है, त्रस्त है सर, और ये जो भूख है सर, ये तो ये अपने आप में है सर, इसको कैसे बढ़ाएं सर, ये तो चैलेंज मैं भी फेस कर रहा हूँ बीइंग द डायरेक्टर ऑफ जीएमडी एकेडमी। सर रह गई बात सर, जो आप कहते हैं टीचिंग की, पैशनेट पीपल सर आज के डेट में अनफॉर्चुनेटली टीचर्स बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि दोज आर पैशनेट एंड मैक्सिमम वी आर फॉर्चुनेट वी आर गेटिंग सच। सर मैं स्कूल प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, स्कूल के अंदर वो जो कुछ नहीं करता है जनरली वो टीचर्स बनते हैं एंड वेरी फ्यू पीपल आर रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग। एंड अगर आप कह रहे हैं कि आपके टीम में ऐसे लोग जो कि रियली पैशनेट है, सो आई थिंक सो कि बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। आई एम प्राउड टू से दैट टुडे आई एम नॉट हैविंग ओनली ओल्ड कैटेगरी ऑफ फैकल्टीज, ओल्ड पीपल, बट वी हैव अ यंग पीपल हु आर, व्हेन अ यंग पर्सन जॉइंस मींस ही इज अ पैशन passionate. Of course, there are people who are joining at late age, but they are also good teachers. But if someone is joining at younger age, it means he wants to do something for this career. He is serious about that. And we are also taking seriously about this. So we are having a good combination of young sailors and this experienced sailors. And we are also having promoting them to go off in between for 1 month, 2 months sailing ke liye, so that they can go come back also and let us say touch mara, that is also good. Chaliye sir, next year fir mulaqat hogi, I hope feedback aur acha hoga, bacche aur acha kaam karenge and main transparently honestly aur bachcho ko bol paunga confidently. Thank you very much. Jai Hind Jai Bharat. Thank you sir. Thank you sir. Hi everyone, Jai Hind Jai Bharat, Jai Mata Di. If you do not remember, to main batana chahunga There was a time I made a video for all the GME aspirants जिन्होंने fleet management का exam निकाला था कि यार जहां पर भी fees कम है आप उस कॉलेज को प्राथमिकता दे सकते हैं, you should join there. तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे कहने पे बहुत सारे बच्चे एकदम से तैयार हो जाएंगे, एक ट्रस्ट होता है ना, तो मुझे अपने भरोसा, मुझे लगा था मैंने बहुत लोगों का भरोसा कमाया जो मैं बोलूंगा होगा. अनफॉर्चुनेटली जिन बच्चों ने मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म से ड्रीमर वगैरह लिए भी थे उनमें से सिर्फ तीन लोगों ने, इसमें दानिश आप एक हैं, बाकी दो लड़के का क्या नाम है, बाकी उवेस कुरैसी, हाँ, और दूसरे का नाम है गुलशन पतले. तो ये तीन बच्चे हैं जिन्होंने मेरे मानने पे गणपत में ज्वाइन किया था, बिकॉज यहाँ पर कितनी फीस जीएम में 2,80,000 एज कम्पेयर टू दैट बाकी कॉलेज में किसी में 2,395 और किसी में 5.5-6 लाख रुपए फीस जो भी रही होगी, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो मेरे लिए था कि फीस कम है, एक साल का कोर्स है एंड मैं एक साल यहाँ पर पहले बिता के गया हूँ, सीट्स कम है अभी गणपत के ऊपर और इंडिविजुअल टेंशन मिलता है, और मुझे था कि ट्रेनिंग फाइन अगर बाकी कॉलेज में अच्छी है तो यहाँ पर भी अच्छी है, बट जो फीस जो कम है वो भी एक बहुत बड़ा पैराडाइम, एक बहुत बड़ा पैरामीटर करती हम है जैसे लोगों के लिए. हम जैसे लोगों के लिए ही बनी है. तो राहुल आप तो अगर पहले आपको दे देता हूँ, राहुल आप तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म को जानते भी नहीं थे, तो फिर आपने कैसे सीधा एकदम से आ गए यहाँ पे गणपत में? सर मुझे यहाँ के बारे में कंपनी के थ्रू ही पता चला था और फिर मुझे लगा कि फीस कम है, मैं भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ और फीस वॉज अ कंसर्न, राइट? तो उसके बाद अभी देखो अगेन अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो पता क्या बन जाएगा, अब गणपत का प्रमोशन है. सी अगेन देयर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस, बैड कॉलेजेस एंड ये ना अपडेशन एवरी ईयर होता रहेगा. आज की डेट में जैसे मैं आया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कॉलेज में आके, मैं 2 दिन यहीं पर था, बच्चों से मिला, जाना, फीडबैक अच्छा था, फाइन. हो सकता है ऐसे 2 साल बाद मैं बोलूं कि नहीं यार फीडबैक इज नॉट फाइन. हो सकता है जैसे मेरा जीएमडी एकेडमी, हो सकता है 2 साल बड़ा अच्छा चला मुझे लगे यार मेरा जीएमडी एकेडमी अच्छा नहीं, तो कहीं हो सकता है. सो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, जो आज है जरूरी नहीं कल हो, जो कल है वो परसों, राइट? एंड दिस इज वेयर ट्रस्ट ऑफ मर्चेंट डिकोडेड लाइज की, हो सकता है अगले साल बाद मैं बोलूं नहीं यार आई डू नॉट फील, मे बी द पीपल हैव चेंज, मे बी द टीम हैज चेंज, मे बी द कॉलेज हैज चेंज, बट दैट टाइम व्हेन आई सेड विद द कन्विक्शन कि मुझे लगता था कि मैं सही जगह भेजाऊं. तो दानिश जी आप उनमें से एक थे, बाकी दो तो अभी छुट्टी में, आप उन तीन महानुभावों से एक थे जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया और यहाँ पर ज्वाइन किया एंड जस्ट बी डैम होने से कम क्योंकि ज्यादा बड़े बोलोगे लोगों को लगेगा ओ गॉड क्योंकि कॉलेज में बना के बैठ के बना रहे हो वीडियो तो खराब बोलोगे तो भाई गर्दन कट जाएगी बट स्टिल कम से कम अच्छा. तो कम से कम अच्छे में क्या चीज तुम बस एक अच्छी बता पाओगे कि जो तुम्हें लगा कि यार फीस के अलावा कॉलेज के बारे में, हाँ एक अच्छी चीज बस एक ही बतानी है, ज्यादा बताओगे तो लगेगा कहानी यार ये तो फिर प्रनीत सर तो सेल्समैन बन गए अभी बताओ. सर मैं सबसे पहले तो फीस को ही रखूंगा, फीस के बाद, फीस तो मैं मानता हूँ जय माता दी उसी के लिए तुम्हें बोला था मैंने यहाँ पर, उसके बाद भाई तुम्हारा एक कंसर्न था सर ट्रेनिंग कैसी होगी. यस सर. तो अब देखो कंपैरिजन नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव नॉट बीन टू अदर कॉलेजेस तो मैं ये नहीं बोलूंगा, बट माय क्वेश्चन इज कि आर यू इवन 75% 80% सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर बीइंग टॉट ओवर हियर या तुम्हें लगता है कि जय माता दी, और अगर हाँ है
तो अभी भी तुम अच्छा अच्छा बोल के जय माता दी कर सकते हो, बट मैं कहूंगा लोग यहाँ कमेंट करें और तुम अपनी ईमेल डालें वीडियो में और तुम उनको बोल सकते हो नहीं भाई अगर अच्छा नहीं है तुम बोल सकते हो बिंदास, बट स्टिल अगर कुछ कहना चाहते हो तो बता सकते हो। सर कहना यही था कि मतलब जैसे पढ़ने के लिए तो एक होता है कि आदमी को रिसोर्स अगर मिल रहा है, जैसे हमको यहाँ पे सारे रिसोर्सेस यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिल रही है हमको और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा बढ़िया है, हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है, एक नंबर। बस 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 अब ज्यादा नहीं, अब मैं इसको शॉर्ट सॉरी यार क्योंकि अगेन ना द पर्पस ऑफ द वीडियो विल चेंज। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इट्स नॉट अबाउट दिस, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि जिन बच्चों को ने मेरे पे भरोसा किया, मैं मानता हूं कि अगर मैंने उन्हें कोई चीज बोली तो बहुत सोच के बोली है, तो वो मेरे पे भरोसा करें। अगेन थैंक्स टू यू कि दैट यू ट्रस्टेड मी, और वो जो बाकी दो लोगों ने भरोसा करा आप अपने आप आए, तो अगर मुझे बाकी लोग भी करते मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मानते तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस लगी दिल में, मुझे लगा यार दैट मीन्स समवेयर डाउन पीपल स्टिल क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी। वंस अगेन हैव वी सेड दैट, एक चीज बोलूंगा मोटिवेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर दानिश को दुनिया के सबसे बढ़िया कॉलेज में भेजा जाए वहां पर सबसे बड़े रिसोर्सेज मिले, अगर दानिश नहीं जाता तो किसी कोई नहीं सिखा सकता ना, क्या मैं हूं क्या दानिश, कोई नहीं, कोई नहीं सिखा सकता। दूसरी बात है रिसोर्सेज मैरिटाइम कॉलेजेस के अंदर, मैं फिर से कहूंगा डीडी शिपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत चीजें टाइट रखती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा गणपत बहुत अच्छा है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टिल यहाँ पर अच्छा बोलने की बात नहीं करो, बट डीडी शिपिंग बहुत चीजें टाइट रखती है। वंस अगेन फीस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो थोड़ा भरोसा करके देखिए, 99% चांस है कि आप ये नहीं कहेंगे बाद में कि यार सर ने गलत जगह भेज दिया, 99% चांस। सो विद दिस ऑल आई कैन से इज दानिश थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड।